आज तक लेकर आया है आज तक 11। आपका अपना फैंटेसी क्रिकेट गेम, बनाओ अपनी टीम और खेलो अपना खेल और जीतो हर भजन से मिलने का मौका। अभी लॉगिन करें आज तक 11.in पर। इस समय महेंद्र सिंह धोनी के कोच चंचल भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे रांची से। चंचल जी, महेंद्र सिंह धोनी अपने पूरे करियर में अपनी पीक पे भी रहा, जब भी तब भी माही को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अब वर्ल्ड कप के बीचों बीच जिस तरह की बातें हो रही हैं, आपकी बातचीत होती रहती है माही से, कैसे ले रहे हैं वो इस क्रिटिसिज्म को? देखिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कुछ अफगानिस्तान मैच में जो तस्वीर में आ रहा है वो नहीं होने चाहिए, इसको खेलना देना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने भारी को सोच समझ के रणनीति के तौर पर खेला। अगर वो पारी नहीं होती तो हमको व्यक्तिगत ये राय है कि 200 रन भी उस दिन भारत के बनने मुश्किल हो जाते। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की, अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, उन्होंने लोग चाहते कि वो फिनिशर का जो में तगमा लगा हुआ वो फिनिश करे। लेकिन एवरी डे नॉट संडे, हम ये चाहेंगे कि उसको हेल्दी वे इसमें खेलने देना चाहिए। और वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का एक प्रेशर होता है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है नहीं, वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, इसलिए इसको हेल्दी वेदर में मौसम उसको खेलने देना चाहिए, ना कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए लेकिन हेल्दी वे में होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के दिन विराट कोहली की ओर से ट्वीट किया गया और उन्होंने ये भी कहा शुभकामनाएं देने के साथ कि पूरी टीम इंडिया उनके साथ खड़ी है। आज के इस मुकाबले से जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने जा रहा है, किस तरह की उम्मीद चंचल जी आपने करके रखी हुई है महेंद्र सिंह धोनी से? निश्चित रूप से आज वो पूरा सम्मान देते हुए उन्होंने पुराना आप जो भारतीय दर्शक को इच्छा है वो पूरे इसमें खड़ा उतरेंगे और आप एक अच्छे नहीं और अच्छे फिनिशर के रूप में आज देखने को मिलेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। नहीं चंचल जी, आपका कंट्रीब्यूशन भी इसमें हम मानेंगे क्योंकि माही से पहले विकेट कीपर हुआ करते थे या बल्लेबाज हुआ करते थे, माही के आने के बाद अब जो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है वो इसीलिए है क्योंकि वो विकेट के पीछे भी उतने ही सक्सेसफुल रहते हैं जितना विकेट के आगे रहते हैं। और एक दौर बदल गया है भारत में विकेट कीपिंग का कि आज हमारे पास एक ऋषभ पंत और आपके दिनेश कार्तिक, आपके केएल राहुल भी विकेट कीपिंग जानते हैं, इतने सारे विकेट कीपर्स एक साथ एक टीम में बल्लेबाज के तौर पर दिख जाते हैं। ऋषभ पंत जो अभी आया है, आप अगर वो मैच अगर ऋषभ पंत जिसमें 4 नंबर बैटिंग किए उस दिन आप अगर देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी ने उसको किस तरह से प्रमोट किया, किस तरह से वो खेले, अगर उस तरह से विकेट कीपिंग भी उन्होंने पहला किया और प्रमोट, तो निश्चित रूप से एक विकल्प के तौर पर भी वो नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मुझे जो लगता है कि आज का मैच महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही होगा। आमीन, आप जो कह रहे हैं वो सच हो क्योंकि पूरा का पूरा भारत यही चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।